एमसी पब्लिक खाली नाम से पागल हो गई एमसी स्टैंड के नाम से। हेलो दोस्तों, आज फिर से आप लोगों को पास आया, तो कुछ कहना है एमसी स्टैंड और डिवाइन के बारे में, किसका ज्यादा फैन है। तो आज आप लोगों को कहेंगे जो फैन फॉलोअर किसका ज्यादा है, कौन किसी से इतना मतलब फैन बेहतर है। तो इसलिए आप लोगों को दिखाऊंगा एक यूट्यूबर के थ्रू, जिसका नाम है नूर एक्टिविट बोल के एक चैनल है, उस चैनल से हम लोग ये वीडियो। तो एमसी स्टैंड और अभी एमसी स्टैंड क्या हुआ, एमसी स्टैंड पूरा बिग बॉस में पूरा ट्रेंड में है एमसी स्टैंड। हाँ। तो एमसी स्टैंड और डिवाइन, तो हम लोग का भी कौन फैन है ये भी हम लोग आखिर में बता देंगे कौन किसका फैन है। तो आप लोग पहले देख लीजिए किसका फैन ज्यादा है, तो हम लोग रिएक्शन देखेंगे, हम लोग भी रिएक्शन देखेंगे किसका फैन ज्यादा है। तो चले शुरू करते हैं किसका फैन ज्यादा है। ये शुरू हो गया, पब्लिक खाली नाम से पागल हो गई एमसी स्टैंड के नाम से। तुम लोगों को क्या लगता है बेहतर रैपर कौन है, डिवाइन और एमसी स्टैंड? तो डिवाइन अच्छा लगता है तुमको? डिवाइन है भाई, डिवाइन तुम सबका डिवाइन है। सरप्राइजिंगली ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था, सरप्राइजिंगली भाई गाना ही बजा रहे थे डिवाइन का। बात हम गेम रखते मुट्टी में, हाँ जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर हम बाजीगर। सो हाउ आर यू, ब्यूटीफुल एंड हैंडसम पीपल, बहुत अच्छा। और आज का मैं वीडियो बना रहा था डिवाइन वर्सेस एमसी स्टैंड पे, और एवरी टाइम ना एक दो लोग तो ऐसे लोग मिल ही जाते हैं जो अपने फेवरेट आर्टिस्ट के बारे में, जो उसका फेवरेट एक्टर रहता है, आई मीन रैपर रहता है, उसके बारे में बहुत डीपली नॉलेज रखते हैं। और इस बार भी दो लोग ऐसे मिले जो आपको वीडियो में देखते देखते आपको मालूम पड़ेगा। एंड आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब ऑलरेडी। मेरे को भी बताना है लाइक मेरा फेवरेट कौन है और क्यों है, तो वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो आप वीडियो देखो और वीडियो के एंड में मैं अपना फेवरेट बताता हूं, मेरा कौन फेवरेट है। उसका चैनल का नाम है अकॉर्डिंग बेस्ट रैपर कौन है, डिवाइन और एमसी स्टैंड? डिवाइन तुमको? डिवाइन तुम सबको डिवाइन लगता है? डिवाइन क्यों, मतलब डिवाइन क्यों एमसी स्टैंड से बेटर है? डिवाइन का क्या है, वो गाने में रियलिटी बताता है, उसका यूज करता है वो भी एकदम प्रॉपर, गाली भी नहीं गाली गाली बहुत बकता है, बट फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं। तुम लोगों का डिवाइन है ना? यस डिवाइन और एमसी स्टैंड? एमसी स्टैंड ब्रो, हक से ब्रो, एमसी स्टैंड। अरे हाँ भाई, एक दिन गायब होंगे एमसी स्टैंड का फैन। जो गाली जो मुंह पे निकल दी ना, वो उसने वही दिया, उसने बताया, मतलब वो रियल लाइफ रियल लाइफ रिलेटेड बताया। को एकदम बोलते ना वो अंदर जाके एकदम डालेला एकदम माइंड में, उसके वैसा ही है उसका फैन। ये भाई तुमको क्यों अच्छा लगता है डिवाइन? ओ सॉरी एमसी स्टैंड। अरे क्या उसके रैप एक नंबर रहते हैं? तुम लोग हिप हॉप तो सुनते हो ना, रैप डिवाइन तो तुम लोग के अकॉर्डिंग ज्यादा बेहतर रैपर कौन है, एमसी स्टैंड और डिवाइन? या कौन है मतलब तुमको, तुम ज्यादा किसके सॉन्ग सुनना पसंद करते हो, एमसी स्टैंड या डिवाइन? डिवाइन। एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया, अब पिक्चर या सड़कों पे सीन बना दिया। महादेव सिर्फ जगह पे पलटी खा गई। और तुमको? मैं भी एमसी स्टैंड। वो डिवाइन बोली तुम एमसी स्टैंड। हाँ। तुमको एमसी स्टैंड क्यों अच्छा लगता है लाइक अगर बोले तो? तुम लोगों को क्या लगता है बेहतर रैपर कौन है, डिवाइन और एमसी स्टैंड? पहले तुम बताओ। सर तो डिवाइन अच्छा लगता है। ओके, तुम्हारा फेवरेट कौन है? डिवाइन ही है। डिवाइन हाँ। तुमको? डिवाइन।
दोनों बेस्ट है, मतलब डीएचएच में सबको सुनता हूं ऑलमोस्ट, बट डिवाइन थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, इंडिया का अच्छी टीम प्रेस निकलता है, दिखाई दे रहा है डिवाइन का ज्यादा है, तुम सबका डिवाइन है। ओके ठीक है, क्यों मतलब तुमको डिवाइन बेस्ट लगता है? क्यों पहले से सुनते आ रहे ना, अभी ये अभी आया मी है एमसी स्टैंड, अभी आया राइट स्टैंड है तुमको बहुत पहले से, वही रीजन है। ओके वही वो ओजी है हिप हॉप का, उसने बहुत अर्ली स्टेज में स्टार्ट किया और अभी रिप्लेस भी करेगा लिए इंडिया को, तो ओजी हो सेम सेम कॉपी मार दिया अभी सरप्राइजिंगली, ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था, सरप्राइजिंगली भाई लोग गाना ही बजा रहे थे डिवाइन का, बजा दो हम लोग भी नाचेंगे सबसे अलग। तुम सब के अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छा रैपर कौन है, डिवाइन और एमसी स्टैन? पब्लिक खाली नाम से पागल हो गई एमसी स्टैन के नाम से, मतलब एमसी स्टैन क्या किया बनाता है वो लोग? क्यों है मेरा पर गैंगस्टर है, मेरा पर गैंगस्टर है, तो दाया से है तेरे दोस्तों के मैच है आप लोग की नजर है सब ऑसम। तुम लोगों के अकॉर्डिंग बेहतर रैपर कौन है? 9 से 12 में चला गया। अच्छा ज्यादा कौन है? डिवाइन। डिवाइन कंपटीशन चल रहा है, तुम सुनते ही नहीं, तो जानते हो किसी को एमसी स्टैन या डिवाइन को? उसका मतलब है नहीं जानते, पसंद नहीं लगता सुनता। हाँ तो उन लोग भी हिंदी गाते हैं, मतलब वो रैप नहीं सुनते। अच्छा रैप नहीं सुनते, तुमको क्या लगता है कौन ज्यादा बेहतर रैपर है? वो तो एमसी स्टैन है, एमसी स्टैन बेटर। हां ठीक है, सब अपने अपने वो भी डिवाइन बोला है ठीक है। तुमको डिवाइन क्यों लगता है लाइक बेहतर? वो मतलब अपने हिसाब से अच्छा, उसका वॉइस भी मतलब ऐसा ही चीज लगता है कि पब्लिक को क्या है कुछ। हाँ पैसा बोलता है, मेहनत का या झोल का है, समझ बेटा तेरा रोल क्या है, जो शीशा तेरे सामने वो झूठ नहीं बोलता। तुम सबके अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छा रैपर कौन है, डिवाइन और एमसी स्टैन? एमसी स्टैन को 80,000 तुम दोनों का एमसी स्टैन ना? तुमको भाई एमसी स्टैन है, क्यों अच्छा लगता है एमसी स्टैन डिवाइन से बेहतर क्यों है भाई? उसका अलग ही सीन है, वो उनका रैप बहुत प्यारा लगता है बस। रे तेरे जैसे हमारे इधर पन, रे मेरे जैसे सोच रखने वाले ने किधर पन, रे चिरे। ओके द मेन क्वेश्चन फॉर टुडे इज, आप लोगों के अकॉर्डिंग अच्छा रैपर कौन है, एमसी स्टैन और डिवाइन? बढ़िया गाना गाते हो, ओके जबरदस्त, मतलब अच्छा रहता है, मतलब रैप अच्छा रहता है, रैप अच्छा रहता है, रैप अच्छा रहता है, उसका स्टाइल अच्छा है। तुम सब के अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छा रैपर कौन है, डिवाइन और एमसी स्टैन? डिवाइन। डिवाइन सबको डिवाइन, हां डिवाइन। शिक्षक से पहले थग्स देखा, अटफिन बॉक्स से पहले मैंने ड्रग्स देखा, 29 साल का मैं पर लगता मैंने सब देखा, रिश्तों में प्यार से ज्यादा शक देखा। क्यों लाइक तुम लोगों को डिवाइन क्यों अच्छा लगता है? बहुत अच्छा है उसके रैप एंड ऑल, अच्छा बहुत अच्छा अच्छा सब बेहतर अच्छा लगता है। एमसी स्टैन का भी सेम सेम पोजीशन है दोनों का, एमसी स्टैन 18 का रैप जो है इस बिग बॉस में अभी जस्ट अभी चल रहा है, एमसी स्टैन का वर्ड है, एमसी स्टैन ओके तो आज हम लोग साइन के एमसी स्टैन से मिलने आ रहे हैं, फैंस भी है यहाँ पे, साइन के एमसी स्टैन रियल एमसी स्टैन के लिए कुछ गाना चाहते हैं, गाओ भाई। एक दिन प्यार, फिर दूसरे दिन तुम हेट करते, तीसरे दिन में वार, चौथे दिन तुम चेस करते, सातवें दिन तुम वेट करते, हो गया ना अभी पूरी लाइन? हाँ भाई हो गया।
ज्यादा अच्छा रैपर कौन है, मतलब डिवाइन या एमसी स्टैंड तुम लोगों को एमसी स्टैंड क्यों लगता है? एमसी स्टैंड रावस वीडियो बनाता है, रैपर है हम लोग का, रैपर है, देखो कैसे ट्रेंड का 20 तुम लोग पिन डाउन करके दिखाओ। हां पिन डाउन बेबी मान गया किधर से आता जा बेबी, फिर तुम लोग को अच्छा सिखा रहे हो आने दो पेटी लड़का सामने बनता क्रेजी मैं अस्ति का अस्ति ब्रो भाई लोग आगे निकल चीरो मैंने मुंह में मामा के एक बच्ची को इधर फायर हो गया कल ट्री ब्रो मैं अस्ति का अस्ति ब्रो आखिर में हो गया गरीबी सो अस्ति की करना मैं अस्ति को ये बड़वे कर रहे ना ब्रो मेरा पास गैंगस्टर है, मेरे पास गैंगस्टर है। तुम लोगों के अवॉर्डिंग ज्यादा अच्छा रैपर कौन है, एमसी स्टैन और डिवाइन? एमसी स्टैन ओके। तो मुझे अगर मैं से पूछेंगे कि दोनों में ज्यादा अच्छा रैपर कौन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ज्यादा रैप नहीं सुनता ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा ऊपर भी कमेंट नहीं करूंगा कि कौन ज्यादा अच्छा है, बट स्टिल अगर मेरे को किसी को चूज करना ही पड़े किसी भी हालत में तो मुझे लगता है कि शायद से मैं डिवाइन को करूंगा, क्योंकि डिवाइन थोड़ा मिच्योर लगता है, मतलब थोड़े अच्छे अच्छे वर्ड यूज करता है और वो बहुत पुराना है, मतलब पहले से ही है रैपर, मतलब अच्छा अच्छा रैप करता है, उसके रैप एमसी स्टैन के भी बहुत ज्यादा सुने, आजकल तो ज्यादा एमसी स्टैन का ही सुन रहा हूँ और धीरे धीरे मैं एमसी स्टैन का ज्यादा फैन होते जा रहा हूँ, बिकॉज अभी से मैंने स्टार्ट किया है और डिवाइन को मैंने पहले सुना था, इसके वजह से मुझे लगता है शायद मैं डिवाइन को अभी ज्यादा लाइक करता हूँ, या अगर मेरे से कोई फेवरेट पूछे तो मैं डिवाइन को ज्यादा बोलूंगा, बट अभी धीरे धीरे मेरे को लगता है मैं एमसी स्टैन के फैन में कन्वर्ट होते जा रहा हूँ, बिकॉज अभी नाउ डेज आई एम रियली लाइकिंग एमसी स्टैन। चैनल है तो दोस्तों देख लिया 36 और 20 yes. तो मतलब ये पूरा रियल वीडियो है, कोई फेक वीडियो नहीं है, तो हम लोग ये वीडियो देख के हम लोगों को क्या लगा, मतलब जितना छोटा छोटा बच्चा लोग है वो लोग एमसी स्टैन को सपोर्ट कर रहा है, उसको ज्यादा लाइक कर, हाँ हाँ एमसी स्टैन को लाइक करते हैं, और मतलब ग्रेजुएट और मैच्योर्ड हो तो वो लोग डिवाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, सारा अपने अपने जगह में ठीक है, इसलिए बच्चे लोग एमसी स्टैन को प्यार करता है, उन लोगों का गाना सुनता है, तो इसीलिए मतलब बच्चे लोग जिधर जाता है उधर ही व्यू ज्यादा आता है, हर जगह गेनर होता है, तो चाइल्ड मतलब वो लोग का बहुत अलग तरीके का मतलब कुछ है वो लोग का जो मतलब है, तो अच्छा लगता है बच्चे लोग, जितना बच्चे लोग है सारे बच्चे लोग को आप भी जाके पूछिए तो वो लोग भी बोलेगा एमसी स्टैन, एमसी स्टैन, तो ऐसा ही सारा बच्चे लोग एमसी स्टैन को पसंद करता है ना, तो इसीलिए मतलब अभी हम लोग का बात आया, हम लोग तो इतना रैप नहीं देखते, हम लोग देखिए पहले थे हनी सिंह, उसके बाद आया कौन बंटाई, उसके बाद आया सॉरी बंटाई नहीं बादशाह, हाँ हनी सिंह बादशाह, उसके बाद में आया तीन नंबर में बंटाई, हाँ डिवाइन, अब आया मतलब एमसी स्टैन, तो ऐसे अच्छा है, तो अभी बात हो गया हम लोग दोनों का अंदर किसका हम लोग पसंद करें, तो हमारा दिल का है जो यो हनी सिंह, तो हमारा दिल में है ये सब अच्छे है, सबका अलग अलग सब अच्छे है, किसी को एक को नहीं बोल सकते, लेकिन जितने हैं सबका अलग अलग है, अलग अलग है भाई, मानना पड़ेगा हाँ सबका टैलेंट, हनी सिंह है या नहीं है पता नहीं है, लेकिन हम लोग हनी सिंह का फैन है, yes. है ना, उसका गाना बहुत अच्छा लगता है, एमसी स्टैन नया है, हम लोग का उम्र के बारे में भी पता चलना चाहिए, हम लोग का उम्र से नहीं मिलता है एमसी स्टैन, तो इसलिए हम लोग मतलब गाना देखता है तो, उसको भी ऐसा नहीं कि लाइक उनको भी करते हाँ हाँ उनको भी करते है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग उनका पास भी कन्वर्ट आ रहा है, अच्छा लगता है कोई कोई गाना, एमयूए बनता है बादशाह सभी अच्छे अपने जगह पे सारे अच्छा ही है, तो इसीलिए मेरा हिसाब से अभी आप लोग बताइए आप लोगों को कौन सा सिंगर अच्छा लगता है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा।
किसका रैप अच्छा लगता है,